नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पीछे ये जो मोटा मोटा बैम्बू है, ये जो अपना लोकल नाम अते है, इसको अते बोलता है अपना भाषा में। बैम्बू भी अलग अलग प्रकार का है और ये जो बैम्बू हमारा जो विलेजर का लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि घर बनाने में, फेंसिंग बनाने में और दारू पीने के लिए भी यहाँ से बनाया जाता है। और धान को, सीड्स को, राइस जो भी हो उसको सुखाने के लिए भी यहाँ से बनाया जाता है। और आप सभी को पता ही होगा यहाँ से बैम्बू सूट, बैम्बू तेंगा भी बनाया जाता है इसका बच्चा से। तो आज आपको हम दिखाएंगे बैम्बू बच्चा को कैसे हम सब्ज़ी बना के खाया जाता है। तो अभी आपको हम दिखाएंगे मेरा माँ को ये बैम्बू बच्चा को तोड़ते हुए और उसको बनाने देंगे अपना लोकल स्टाइल में कैसे इसको सब्जी पका के खाया जाता है। तो चलिए माँ से मिलते हैं बैम्बू तोड़ते हुए। ये बैम्बू जो कुछ लगाया वाला है तो इसको अच्छा से जीने के लिए आपको केयर करना पड़ेगा, फेंसिंग बनाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा को मिथुन का देता है और ज़्यादा जंगल हो जाने से ये अच्छा से नहीं जिएगा, इसलिए आसपास का पेड़ पौधा को काट देता है। ये देखिए इसका चमड़ा को छिलना बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं छिल सकता है। जो टाउन में बैठता है आद, जो मुलायम होता है वो नहीं छिल सकता है। जैसे कि मेरा माँ का आद है, जो काम करते रहता है वह उसको आसानी से छिल सकता है। और उसका ऊपर में बहुत खुजली वाला चीज़ भी होता है, आपका स्किन में लगने से खुजली होगा। ये नीचे का ये जो थोड़ा तान हो जाता है खाने के लिए, इसलिए इसको माँ आता रहा है। ये माँ का गार्डन है, इसका जगह पे पहले घर था, तोड़ने के बाद बनाया है। ये पम्पकिन कुकुम्बर कुछ कुछ लगाया है। और बैम्बू का बच्चा में आपको पम्पकिन पत्ता डालना ज़रूरी है, अगर आपके पास मीट मछली होगा तो वो भी डाल सकता है। पम्पकिन पत्ता के साथ बहुत अच्छा से पकता है। माँ जो पम्पकिन पत्ता तोड़ेगा थोड़ा सा,
अभी बेम्बू का बच्चा को माँ जो जोता जोता पीस करेगा, और वो माँ जो पकड़ रहा है वो चीज़ भी बेम्बू से ही बनाया है। अफ्यू है उसका लोकल नाम जो। जल्दी जल्दी पकने देने के लिए इसको चौथा चौथा पीस किया जाता है। उसके बाद देखिए ये जो पम्पकिन पत्ता का दंती में जो स्किन है वहाँ पे एक लेयर होता है जो खाने के लिए ठीक नहीं है, उसको छील के बनाया जाता है। इसको माँ जो अभी पानी भिजा के थोड़ा देर रखिएगा, थोड़ा धुलाएगा भी, क्योंकि ये जो कच्चा में तीता होता है तो इसका तीता थोड़ा कम हो जाए पकाने से पहले ठंडा पानी से भिजा के धुलाएगा। माँ का हाथ को देखिए, ये जो हर दिन रेस लेस खेती करते रहता है इसलिए हाथ ऐसा है। देखिए ये बेम्बू अभी लगभग आधा घंटा पक चुका है, इसको अभी पानी में धुलाएगा। यहाँ फिर दोबारा पकाएगा उसको नया पानी में उसको धुलाने के बाद। ठंडा पानी डाल रहा है, इसको पानी मिक्स करके धो के फिर से पानी डाला है, तब यहाँ का जो चीता है वो गायब हो जाएगा। देखिए अभी फिर से पकाएगा पम्पकिन पत्ता के साथ नमक मिर्च जो भी डालना है अभी डाल के, अभी इजीली पक जाएगा और बहुत टेस्ट होगा। ये पम्पकिन पत्ता पानी में बहुत अच्छे से धो चुका है, उसको पीस पीस करके साथ में बॉईल करने से तब ये बेम्बू का बच्चा बहुत टेस्ट होता है, बहुत डिलीशियस होगा। ये देखिए माँ जो लेके आ गया, एकदम पक चुका है, एकदम प्योर ऑर्गेनिक है, यहाँ से आपका शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, अच्छा ही अच्छा होगा। और देखिए वो जो अपना राइस वाइन है कुट से बनाया वाला, और जहाँ पे डाल रहा है वो भी बेम्बू से बनाया गया है, इसलिए बेम्बू का मल्टीपल यूसेज है। और जहाँ पे बैठ रहा है ना ये नीचे का ये चीज़ जो, ये भी बेम्बू से बनाया गया है। अभी माँ पिताजी दोनों राइस वाइन का साथ वो बेम्बू का बच्चा पकाया वाला को खा रहा है, आप चावल के साथ भी सुखा सकते हैं। आदिन का अफिंग लो रखे वो ईगी साले या चो अफिंग लो रूं कमाले या चो
बहुत डिलीशियस है। अगर सब इंसान विलेज में बैठकर इस तरह से ऑर्गेनिक चीज खाते रहेगा तो कोई भी बीमार नहीं होगा। और ये बेम्बू का बच्चा से बेम्बू सूट बेम्बू टेंगा कैसे बनाया जाता है फिर आपको कभी दिन दिखाएंगे। इसलिए आप सब हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहिएगा। आपको हम विलेज लाइफ स्टाइल वीडियोस दिखाते रहेंगे। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।